अरे इस टाइम कौन हो सकता है? देखती हूँ। अरे रोहन, तुम इतनी जल्दी कॉलेज से कैसे आ गए? हाँ मैम, वो आज क्लासेस जल्दी ख़त्म हो गई थी तो हमने सोचा बाकी की स्टडी घर पे आके कर लें। अरे मैं नितिन से मिलवाना तो भूल गया, मीट माय बेस्ट फ्रेंड नितिन। हेलो आंटी। हाय। अरे मैम एक बात बताना तो भूल गया, ये हमारी क्लास का टॉपर है एंड ये मेरे प्रोजेक्ट में मेरी हेल्प करने आया है। ओके अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। अर्जुन जी अरे यार कितनी गर्मी है ना बाहर। हाँ यार वो तो है। चला नीति प्रोजेक्ट पे काम शुरू करते हैं। चल ठीक है। वो मैं रोहन के प्रोजेक्ट की फाइल देने आया था, जब वो कॉलेज से आए तो उसे बता देना नितिन फाइल लेके गया था। नितिन तो आज कॉलेज नहीं गए? नहीं मैं ऑफ पर हूँ, मुझे कुछ काम था इसलिए। अच्छा जी। अच्छा आपको मतलब नमस्ते आंटी, वो मैं रोहन के प्रोजेक्ट की फाइल देने आया था, जब वो कॉलेज से आए तो उसे बता देना नितिन फाइल लेके गया था। अच्छा अच्छा नितिन तो आज कॉलेज नहीं गए? नहीं मैं ऑफ पर हूँ, मुझे कुछ काम था इसलिए। अच्छा जी। अच्छा आप तो मतलब तो बैठो। नहीं वो अरे पानी तो पी के जाना, बैठो बैठो। मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लो। वैसे रोहन बहुत खुश नसीब है जिसे तुम्हारे जैसा दोस्त मिला। आंटी मैं भी बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे रोहन जैसा दोस्त मिला। अच्छा एक बात पूछूं तुमसे? हाँ जी। तुम्हारी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड है? आंटी अभी तो सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान है, बाकी लाइफ में कुछ बन जाऊं तो फिर ये सब। अरे नितिन तू यहाँ कब आया? मैं बस यहाँ से निकल रहा था, सोचा तेरे प्रोजेक्ट की फाइल देता हो जाऊं। ओ अच्छा, मुझे लेकिन तेरे से ये उम्मीद थी। ऐसा क्यों रोहन, क्या हो गया? ऐसा क्या किया नितिन ने? मॉम आपको पता है आज ये कॉलेज क्यों नहीं आया? क्यों? इसने अपने कॉलेज की फीस नहीं भरी इसलिए इसको लेक्चर में बैठने से मना कर दिया, और ये बात इसने अपने बेस्ट फ्रेंड से छुपाई। नितिन ये बात तो गलत है ना, तुम रोहन को अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हो और उससे अपनी बातें छुपाते हो। अच्छा एक सेकेंड रुको। ये लो नितिन, कल ही कॉलेज जाओ, अपनी फीस सबमिट करो। ये मैं नहीं ले सकता आंटी। प्लीज नितिन रख ले, मॉम जो कर रही है सही कर रही है, रख ले। अगर तू ये पैसे नहीं रखेगा तो आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन रोहन अरे जो कर रही है सही कर रही है, रख ले। कम ऑन, जब कल को तुम जॉब करने लगोगे ना तो लौटा देना। और वैसे भी इंसान को एक दूसरे की जरूरत पर काम आना। थैंक्स आंटी आपने मेरी हेल्प करी, अब मैं चलता हूँ। कल मिलते हैं कॉलेज के बाद। थैंक्स मॉम, आप कितनी अच्छी है, आपने मेरे दोस्त की हेल्प करी। मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। मॉम, मॉम कहाँ हैं आप? आई यही हूँ, क्या काम है? आओ नितिन कुछ बात कहना चाहता है आपसे। बताओ। वो नितिन है मॉम, उस दिन के लिए आपको थैंक यू कहना चाहता था, आपने उसकी हेल्प की ना। थैंक यू आंटी, आपने उस दिन हेल्प करी, अगर आप हेल्प नहीं करते तो मेरी पढ़ाई बीच में रुक जाती। नहीं नहीं मेरे होते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मॉम हम ना बहुत थके हुए हैं, हमें कॉफ़ी पीनी है,
आप ऐसा करो कॉफ़ी बना दो, हमको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। पर कॉफ़ी तो कल ही ख़त्म हो गई थी, तुम ऐसा करो नीचे से कॉफ़ी ले आओ। ठीक है मामा मैं लेकर आता हूँ। अरे मैं भी चलता हूँ ना। नहीं नहीं रोहन तू बैठ, तू थका हुआ है, मैं जरा यूँ गया बस यूँ आया। तुम यहाँ बैठो। तुम सच में बहुत हैंडसम हो और तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना तुम सीधे मुझे कहा करो। वैसे भी तुम मुझे अपना मानो, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करूँगी और तुम मेरी। ये क्या कह रही हो आंटी आप? ठीक ही तो कह रही हूँ। ये लो मॉम आपकी कॉफ़ी। तुम बैठो मैं कॉफी बना के लाऊं। क्या बात है रोहन, अभी तक बुक्स नहीं खोली? चला प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। ऐसे मॉम मैं कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। ठीक है ओके बाय। रुको। हाँ वो रोहन मुझे तुमसे कुछ पूछना था। हाँ जी। वो तुम्हारा दोस्त है ना रितिन, वो बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा और घर पे भी नहीं आया, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। आज एक्चुअली मॉम पता क्या बात है, आज ना उसका जन्मदिन है तो आज हमने उसके लिए ना बढ़िया सा गिफ्ट लेके जाना है। क्यों ना हम उसका जन्मदिन आज घर पे ही सेलिब्रेट करें। हाँ ये ठीक रहेगा। तुम उसका नंबर दो। ओके लो। ठीक है मॉम मैं चलता कॉलेज के लिए। ओके हेलो। हेलो कौन? मैं रोहन की मॉम बोल रही हूँ। नितिन हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू आंटी। और वो तुम बहुत दिनों से घर पर नहीं आए, कोई बात? वो एक्चुअली आंटी मुझे कुछ काम था घर पर। अच्छा एक काम करो तुम सीधे मेरे पास चले आओ, कॉलेज मत जाना, मुझे तुमसे कुछ काम है। कुछ काम है तो आप यहीं बता दीजिए। नहीं नहीं तुम सीधे मेरे पास चले आओ, मैं यहीं आकर बता दूंगी। ठीक है आंटी आता हूँ। ओके वो रोहन कॉलेज गया हुआ है, तुम बैठो। तो आपने अचानक मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। कमॉन इतने भी भोले मत बनो, वैसे भी आज तुम्हारा जन्मदिन है, लेट्स सेलिब्रेट। नहीं नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। पियो। थोड़ा सा प्लीज 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 थोड़ा सा। चलो तुम्हारा बर्थडे कुछ खास बना के है जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। नहीं आंटी ये सब ठीक नहीं है, रोहन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मैं भी तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त हूँ और मैंने तुमसे कहा था कि जरूरत पड़ने पे एक दूसरे के काम आना चाहिए, क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? आओ चलो। Thank you.
अब बोलो, तुमने किया है कभी ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट? वैसे बहुत कमाल हो तुम। अच्छा मैं चलता हूँ। अरे नितिन तू यहाँ? अरे हाँ यार। कहाँ था यार कल से? यार ना तू कॉलेज आया, तुझे मैंने इतने कॉल किए, तूने कोई भी रिस्पांस नहीं दिया, मैं कितना परेशान था यार, तुझे पता है? अरे यार कुछ नहीं, बस किसी काम से जाना पड़ गया था तो जल्दबाजी में फ़ोन घर पे छूट गया था। चल सारी बात छोड़, देख तेरे लिए गिफ्ट लाया मैं। हाँ यार तेरा बर्थडे गिफ्ट तुझे यही वॉच लेनी थी ना। अरे पर ये तो बहुत कॉस्टली थी ना। अरे यार अपनी दोस्ती से बढ़कर है क्या यार? ओ थैंक यू रोहन। चल मैं चलता हूँ यार मुझे। अरे नहीं तू बैठ दो मिनट, मुझे कुछ क्वेश्चंस का आंसर चाहिए थे। अरे हाँ मोम, वो एक्चुअली मेरे प्रोजेक्ट की फाइल में भूल आया था ना, तो नितिन मुझे देने आया था। अच्छा रोहन तुम नीचे जाओ, अनीता आंटी को बुला। अच्छा ठीक है मम्मी, आया मैं दो मिनट में। मैं भी चलता हूँ। अरे नहीं तू बैठ बस, मैं एक मिनट में आया। तुमने कितने दिनों बाद मुझे दर्शन दिए, तुम्हें मालूम है मैं तुम्हारे लिए कितना तड़प रही थी। देखिए आप ये सब बात मत कीजिए, मैं ये सब नहीं कर सकता। तुम्हें मालूम है तुम मना करोगे ना तो इसका अंजाम कितना बुरा होगा। आपको जो बोलना है बोल लीजिए, मैं रोहन को धोखा नहीं दे सकता और मैं उसको सब बता दूंगा कि तेरी मॉम कितनी घटिया किस्म की औरत है। क्या हुआ रोहन? रोहन देखो तुम्हारा दोस्त अकेले में मुझे देखकर खेल रहा था मेरे साथ बदतमीजी। नहीं रोहन ये सब झूठ है, तू मेरी बात सुन यार, ये सब झूठ बोल रही है और मैं सही कह रहा हूँ, तेरी मॉम अच्छी औरत नहीं है। खबरदार मेरी मॉम के बारे में कुछ बोल दो, जिन्होंने तेरी हेल्प की तूने उन्हीं के ऊपर उंगली उठाई। मेरी बात भी निकल जाए। रोहन बात तो सुन,